हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ गाउन ड्रेस के लिए, साड़ी के लिए, शादी पार्टी के लिए, वेडिंग के लिए बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही इजीली आप कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद से। और बहुत आसान है लेकिन बिगिनर्स के लिए आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब आसानी है लेकिन आप बहुत इजीली आप इसको बना लोगे, थोड़ा सा मतलब वीडियो देख लोगे तो अच्छे से बना लोगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है जिसकी वजह से मैं और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए लाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो का फाइनल लुक देखने के लिए और ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो ये मैं डमी पे आप लोग को बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टूडेंट्स को बता रही थी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो शूट कर ली जाए और आप लोग को भी बता दिया जाएगा। ये आप ब्राइडल पे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले मिडल पार्टिंग करके बालों की और ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे बालों की। सारे जो ईयर टू ईयर पार्टिंग की है उन बालों को बीच में इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि हमको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना हो। फिर एक पफ लेंगे और पफ को यूपिन की मदद से सेंटर में सेट करेंगे और पफ के ऊपर जो हेयर है उनको अच्छे से फॉर्म करेंगे और पफ को अच्छे से हाइड कर देंगे, ढक देंगे इस तरीके से। ढक के आप यूपिन लगा सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो थोड़ा सा हेयर और लेके और फिर यूपिन लगा दो, सॉरी यूपिन नहीं, टिक टेक लेस या फिर बॉबी क्लिप। फिर थोड़े थोड़े हेयर्स को मैं और लूँगी और इन्हीं पफ के ऊपर से स्टफी जो लगाई है उसके ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे ताकि फिनिशिंग लुक आ जाए। इस तरीके से पफ को हाइड करके इसके पीछे एक क्लिप लगा देंगे, बॉबी क्लिप। इसको लगाने के बाद से तो क्लिप लगाने के बाद से फ्रंट के साइड से इस तरीके से हेयर लेंगे। ये पतले हल्के बालों पर भी काफ़ी अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल और ईजिली बन जाएगा, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, फिर दूसरा सेक्शन लेंगे और इसी तरीके से इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेंगे, थोड़ा मैसी सा लुक देने के लिए। फ्रंट से मैसी सा लुक आएगा इस वाले हेयर स्टाइल में। फिर थर्ड सेक्शन लेंगे और इसी तरीके से ट्विस्ट करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा इसको भी खींच लेंगे। बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। जब ट्राई करके बताएगा आप लोग से बना कि नहीं इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा हेयर लीजिए और ऐसे ट्विस्ट करके बैक साइड में ले जाके जहाँ पे हमने पफ का क्लिप लगाया था वहीं पे इसको सेट कर देंगे। लास्ट से आप ईयर के पास से थोड़े हेयर छोड़ सकते हो जो कि कर्ल्स कर दोगे तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिप कर देंगे। सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड पे भी कर लोगे, इसी तरीके से इस साइड भी कर लेना है। तो ये देखिए इस साइड से भी मैंने इस तरीके से बना लिया है। तो फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो बैक का जो बन बनाना है वो कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। काफ़ी सुंदर सा बन है, बहुत ईजी तरीके से आप बना लोगे। तो सिंपली सारे बालों को लेना है और यहाँ पे एक रबड़ लगा देनी है। रबड़ को थोड़ा टाइटली लगाएगा, उसके बाद से रबड़ के ऊपर यहाँ पे डोनेट लगा देंगे। उसके बाद से थोड़े थोड़े सेक्शन लेके बालों के इनको सिंपल ब्राइड डोनेट को ढक देंगे इस तरीके से रबड़ बैंड लगा के, और रबड़ बैंड को हाइड करते हुए यूपिन लगा देंगे यहाँ पे और डोनेट पूरा अच्छे से ढक जाए। उसके बाद से थोड़े थोड़े लेयर्स लेंगे और इन पर सिंपल ब्राइड बनाएंगे, सिंपल चोटी। सिंपल चोटी बना के एक साइड से ले जाके दूसरे साइड इसको इस तरीके से यूपिन से सेट करेंगे। फिर दूसरी साइड से लेयर लेंगे और इसको भी सिंपल ब्राइड बनाएंगे। फिर दूसरी साइड से इसको लेके जाएंगे और इस साइड में यूपिन से सेट करेंगे। ऐसे ही करते हुए पूरे बन को कवर कर देना है ब्राइड से। तो देखते रहिए वीडियो पूरा फाइनल लुक देखने के लिए। उसके बाद से आप स्टोन वाले यूपिन से इसको सेट करके डेकोरेट कर दोगे ताकि काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और शादी पार्टी में दुल्हन पे भी कर सकते हो, बाकी गाउन ड्रेस के लिए, साड़ी के लिए ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखेगा। और आप कहोगे तो मैं ये सेल्फ करके भी दिखा दूँगी आपको खुद से कैसे करेंगे ये हेयर स्टाइल अपने बालों पर। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करके खुद से करने के लिए बताऊँगी क्योंकि आप लोग को मेरी सेल्फ वीडियो ज़्यादा पसंद आती हैं। फिर यहाँ से इस तरीके से ब्राइड लेंगे, फिर दूसरी साइड से लेके आएंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट करते जाएंगे यूपिन लगा के। फिर सारे बालों को एक साथ ब्राइड बना लेंगे और राउंड राउंड इसको लपेट लेंगे इस तरीके से और सेंटर में ला के पूरे जूड़े को अच्छे से कवर करेंगे।
और ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है बालों का। जहाँ भी आपको कम ज़्यादा लगे वहाँ पे आप यू पिन से अच्छे से हाइड कर दीजिएगा बन को। और इसको ये देखिए, ये फ्रंट का लुक है ये साइड से और ये बैक से। तो ये है बन का फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने स्टोन वाली यू पिन लगा दी है ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। ये देखिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। तो है ना बहुत इजी और बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल गाउन ड्रेस एंड साड़ी के लिए, शादी पार्टी के लिए। ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएगा किस किस से बन पाया और नहीं बन पाया तो भी बताएगा, ताकि मैं और भी इजी ट्रिक से ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस।